देखिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि इस घर में आने का कोई अधिकार नहीं है आपको। मगर हम ये कहां सुन रहे हैं छोटे दोस्त? आप चुप रहिए, और तुम भी अगर अपना भला चाहती हो तो निकल जाओ यहां से। छोटी, हम बात करेंगे इनसे। बोलिए। अरे मेला लगा है क्या यहां? चलो जाओ तुम लोग यहां से। काहे शर्म आती है सबके सामने बोलने में? बकवास बंद करो, नहीं तो मगज का सारा गर्मी उतार दूंगा। गर्मी तो आपका मगज में है महन जी, मगर अफसोस कि अब हम पर नहीं उतार पाएंगे इसे। चुप कर कलंकिनी, बीमारी के हाल में रंग रंगिया मना रही थी तू? तुम्हारी ऐसी गिरी हुई औरत को शर्म बाजार में खड़ा करके कोड़ा मारना चाहिए। सोच लीजिए, हम तैयार हैं खड़ा होने को। अरे खड़ा होने के लिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे तब तक। ठंडी शोली आराम जादी। खबरदार हाथ लगाए तो। मत चिंता करो छोटी, कुछ नहीं कर सकता ये मर्द। बढ़िए महान जी, ऐसे ही सही, कम से कम एक बार आपका ताकत भोगने का सुख तो मिल जाए हमको। ढूंगी कहीं के हम तो मर गए थे ना आपका लिए, फिर काहे पलट के आए आप? अपना अधिकार जताने, अपना ताकत दिखाने, बोलो कहा सोच के आए थे कि औरत है, जब चाहे आघात कर देंगे, जिस तरह चाहे तोड़ देंगे। अरे हम औरत का देह में भी प्राण बसता है महन जी, जीना चाहते हैं हम भी। लीजिए मटका पत्थर। आप का इसीलिए बुलाया था हमको यहां? हम 90 साल का पट्टा बना के देने को तैयार हैं। आप ही को मुबारक हो मटका पत्थर मान जी, बचा के रखिएगा, माथा पटकने के काम आएगा। इनकार मत कीजिए, बर्बाद हो गए हम, बचा लीजिए। कुछ भी करेंगे आपके लिए, बस ये कलंक मिटा दीजिए। चिंता मत कीजिए महान जी, हम पर छोड़ दीजिए सब कुछ। अरे मालूम था हमको ठेकेदार त्रिपत सिंह का बात का कोई वैल्यू नहीं देंगे आप लोग। अरे पर सच्चा बात तो यही है कि आप लोग का खून साला पानी हो गया है। देखिए त्रिपत भैया, माना कि मामला बहुत सीरियस है, मगर है तो बाबू साहब का घर का बात ना, जब तक उनका कोई आदमी नहीं। आइए महन जी। देखिए साक्षात महन जी आ गए, पूछ लीजिए इनसे। जब से वो टाउन का मैडम इनका घर में आई है, तब से कैसा खड़ियंत्र का खेला चला उस घर में, पूछिए। अरे पूछिए, इनका धर्म पत्नी को घर से बाहर निकालकर टाउन ले जाने में किस किस का हाथ था, पूछिए। और वहां जाकर अय्यासी और चकलाबाजी का व्यापार किस किस ने खेला था, पूछिए, पूछ लीजिए। और वो विनय बाबू, हाँ, अरे आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है, मगर हमारा सीआईडी का रिपोर्ट एकदम पक्का है, पक्का। उनका मर्डर भी उसी औरत का यार लोगों ने किया है। हाँ,
और ऐसी औरत लोग का पाप देखिए कैसे बाहर निकल कर आया है। बोलिए महन जी बोलिए, आज सब सच खोल के रख दीजिए भाई लोग के सामने, बोलिए। आज हम भी सारा दुश्मनी भुला के आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय दिला के ही रहेंगे। महन जी बोलिए बोलिए, महन जी बोलिए। ठीक है जो तिरुपत भाई कह रहे हैं, सुन लिया भाई लोग आपने? अरे अब भी चेतिए, अब भी चेतिए, नहीं तो गांव का सब औरत लोग खड़ा होके ताली बजाएगा और आप लोग भग भग तमाशा देखोगे। कोई अपना बेटी नहीं देगा इस गांव में, समझे आप? अब जो होना था सो हो गया, भूल जाओ। अपना जान जोखिम में डालने का क्या जरूरत है? तुम यहाँ से बस नहीं जाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बड़का लोग के आपस का बात है, सलट लेंगे लोग अपना। अरे तुम पर कोई खतरा हुआ तो पानी जैसा बहा देंगे अपना खून। पंचायत का फैसला हो चुका है पांडे, तुम्हारा काम है बस इंक्वायरी संभालना। अरे तिरुपत सिंह फिर से सोचिए, टाइम बहुत बदल गया है। अरे टाइम टाइम तो तुम्हारा बदलना पड़ेगा साले। जय भवानी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे हम ऐसा। का बात है दुल्हन, कहाँ जा रहे हैं? गंगा के साथ भी सब यही किए थे, लेकिन ये बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। का हुआ था गंगा के साथ? झुट्टा कहानी फैला रहे हैं ये सब, जोड़ी का दुल्हन लोग के बारे में। ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग, खून खराबा से किसी का भला नहीं होगा। बहुत भला बुरा का समझ आ गया है तुमको रे? हाँ? सारा परपंच रच के अब साला नीच, तुम्हारा इतना हिम्मत बर्दाश्त नहीं हुआ ना मान जी, कैसे होगा? आप लोग को तो बस अत्याचार करने का आदत है ना, मगर ये जान लीजिए बाबू साहब लोग, अब कोई सहने वाला नहीं है। धमकी दे रहा है साला, ऑर्डर दीजिए भाई साहब, चटका रहे साले को। हमको ने हत्था देख के कमजोर समझ रहे हो का? अरे होश में आइए, ये लाश गिर गया ना तो तबाह हो जाएंगे आप लोग। बंद कीजिए इसका बोलती मान जी, थाना कचहरी देखा जाएगा, शिकार आपका है, उड़ा दीजिए साले को।
धोखा कर रही है। निकल यहां से। चल यहां से।
कमजोर मत समझो हमको, मत छीनो हमसे जीवन का सम्मान। अबला नहीं है हम, औरत का धर्म निभाया है हमने, अब मां का कर्तव्य भी पूरा करूंगी। स्नेह से सींचूंगी अपने संतान को और कहूंगी उसे अन्याय कभी करना मत और उसके सामने झुकना भी मत।